नहीं। गुड इवनिंग माय कलीग्स ऑन द डायस, माय मेंबर फ्रेंड्स फ्रॉम द प्रेस, वी आर ऑल वेलकम। आफ्टर टू मोर देन टू इयर्स वी आर अगेन मीटिंग फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर एन एग्जीबिशन व्हिच वी ऑल इन न्यू बॉम्बे आर ईगरली अवेटिंग। The market of real estate has turned a lot during these 3 years. GST era, then pandemic. Now we are in full flow. Things are reviving, and I wish all the exhibitors the best and lot of loans, lot of proposals. Lot of FSI, new areas of development have come. So I wish them all very best and best of business to them. Thank you. आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ ट्रेंड्स न्यू बॉम्बे में जो चल रहे हैं उसके बारे में आई विल शेयर माय व्यूज। मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स एज फार एज नवी मुंबई इज कंसर्न आर पॉजिटिव ट्रेंड्स। ये ट्रेंड्स या ये जो मूवमेंट चालू है उसमें आप सबका सहयोग मिले तो वी कैन कम्युनिकेट दिस टू ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द स्टेट एज वेल एज अवर कंट्री थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू प्रिंट मीडिया एंड अदर मीडिया प्रपोजिशंस। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रेंड अभी चालू है वो है कमर्शियल के जो स्पेसिस है विद इन द सिटी, दे हैव इंक्रीज्ड क्वाइट अ बिट। सो यू विल सी रीडेवलपमेंट ऑफ अक्षर सिटी सेंटर, सेंटर वन एंड ऑल दैट। सो यू विल सी लॉट ऑफ कमर्शियल स्पेसिस कमिंग अप इन नवी मुंबई एंड दैट स्पेस, बिकॉज अभी तक जो नवी मुंबई के कमर्शियल स्पेस थे वो सेक्टर 11, 15, सेक्टर 17 ऑफ वाशी यहाँ तक सीमित थे, बट नाउ वी विल सी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द सप्लाई कमिंग विद इन द सिटी विथ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड थिंग वॉट वी आर सींग इज ग्रोथ ऑफ MIDC एज अ डेटा सेंटर। यहाँ पर डेटा सेंटर का जो डिमांड है दैट इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग एंड वी हैव सीन प्लेयर्स लाइक राहेजा एंड अदर्स प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। थर्ड मोमेंट जो चालू है देर इज लॉट ऑफ वेयर हाउसिंग एंड वॉट वी से स्टोरेज थिंग्स हैपनिंग इन द पेरीफरी, जहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, JNPT एंड एरियाज अराउंड दैट we are seeing lot of warehousing places coming up there. Then there are workshop kind of places जहाँ पे छोटे छोटे MSMEs आते हैं उसके लिए कुछ developers ने projects चालू किए हैं MIDC area में। After a long wait and lots of challenges and struggles, we are seeing few redevelopment projects starting off. That's a very big positive and we will see many more projects coming up in near future. They are almost on the verge of getting final permissions. और एक ट्रेंड जो न्यू बॉम्बे में शुरू हुआ है वो है कि पहले नवी मुंबई के जो डेवलपर्स हैं दे वेर अप टू पनवेल, बट नाउ यू विल सी देम मेकिंग अपार्टमेंट्स इन द वॉट वी से रोहिंजन, करजत, तरोजा बेल्ट एंड दिस साइड फ्रॉम उलवे, पुष्पक नगर, द्रोणागिरी, पनवेल एंड बियॉन्ड पनवेल। That side we can think of Neral, Khopoli, Karjat. So now the Navi Mumbai developers, we have about 500 odd members in our association. So har ek member ka projects either of this nodes mein hai and that's a very big plus. So there is something for everybody. So we have budget starting from say 20-25 lakhs and it is going to few crores on Palm Beach Road. दूसरा एक बताना चाहूँगा कि एक मिड लग्जरी जो सेगमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम खारगर, CBD बेलापुर, पाम बीच, कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कमिंग ऑपोजिट NRI कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू NRI कॉम्प्लेक्स, फ्यू ऑफ देम आर कमिंग अप बिहाइंड पाम बीच सानपाड़ा एंड वी आर सीइंग दैट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो कमिंग अप ऑन वाशी सेक्टर 17 एंड अदर नोड्स ऑफ वाशी एंड बियॉन्ड। सो मिड
लग्जरी सेगमेंट या लग्जरी सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा सप्लाई आ रही है. सो ऑफ लेट वी आर नॉट ओनली हैविंग अफोर्डेबल सेगमेंट बट मिड लग्जरी एंड लग्जरी सेगमेंट ऑल्सो मूविंग वेरी वेल. द जो उसको उत्साह मिला है या बुकिंग मिली है फॉर लग्जरी सेगमेंट हैज़ ऑल्सो बीन वेरी वेरी गुड एंड इट्स गुड एंड हार्टनिंग टू अंडरस्टैंड दैट काफ़ी सारे बुकिंग्स जो है वो बॉम्बे से है. सो नाउ लॉट ऑफ पॉपुलेशन आर कमिंग फ्रॉम मुंबई. और कमर्शियल जो हब है, कमर्शियल के आने से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कमर्शियल में जो ऑफिसेज आएगी उसकी वजह से जो रेजिडेंशियल डिमांड है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. डे बिफोर यस्टरडे देर वॉज अ रिपोर्ट इन इकोनॉमिक टाइम्स दैट मुंबई में आज तक का जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स. सम 11,700 बुकिंग्स हैव बीन डन इन द मंथ ऑफ अप्रैल. दैट इटसेल्फ शोज that this market during COVID people have understood the importance of house and they are wanting to buy their first home. If they have the first home they want to upgrade their homes and get that extra room. So in all the demand is robust. और नवी मुंबई के लिए इकोनॉमी के नवी मुंबई की इकोनॉमी के लिए हम सब की इकोनॉमी या हम सब के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्लस. अनदर थिंग दैट इज़ अ गेम चेंजर इज MTHL. हमने जब सोचा था आई थॉट दैट यू नो व्हेन MTHL वॉज अनाउंस्ड वी थॉट इट विल बी वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम. बट अगर आप प्रोजेक्ट को देखेंगे तो काफ़ी सारे पीपल फ्रॉम बॉम्बे आर जस्ट शिफ्टिंग टू नोड्स लाइक उल्वे द्रोणागिरी पुष्पक नगर जस्ट सींग द स्पीड ऑफ MTHL. इमेजिन 20 मिनट्स फ्रॉम सिवरी नावा टू उल्वे. That itself is a very big plus. You will also see a lot of ring roads, roads which have already been constructed in and around the airport from CBD to Ulve to Dronagiri and Panvel this side, and they have also been open to traffic. That also is very very positive for Navi Mumbaikers. Dighi Port will be the next big plus as far as warehousing is concerned. And for the economy of Panvel. Also, during COVID, because of COVID and also the war, I would like to share that the construction cost of most of the projects have increased by 500 rupees to 800 rupees a square feet. So this also means that काफी सारे projects के जो prices है मे गो अपवर्ड्स इन नियर फ्यूचर विच वी वुड नॉट लाइक टू बी. अभी तक हमने जो भी प्रोजेक्ट्स है उसका प्राइस मेंटेन करके रखा है बट डेफिनेटली देर इज प्रेशर ऑन एवरी डेवलपर बिकॉज कॉस्ट हैज़ इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली. यानी 20% से लेके 80% इंक्रीज है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटीरियल एंड लेबर. सो वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व द प्रेशर एज फार एज पॉसिबल बट सूनर और लेटर this may happen. So I think this is again a good time to buy for whoever wants to buy. I think ye opportunity miss nahi karna chahiye. So with this I think we will have a question answer session. Aur mera sabse anurodh hai, darkhast hai, special request hai ki let us keep the talk to exhibition and we start our question and answer session. और उसके बाद पोस्ट जो लॉकडाउन आया है पेंडेमिक आया है उसके बाद पोस्ट लॉकडाउन जो चैलेंजेस रहे हैं उसके बाद जब ये 20वां प्रॉपर्टी एक्सपो हो रहा है तो प्रॉपर्टी एक्सपो जो 20वां होगा 3 साल के बाद जो गैप के बाद होगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बायर्स के लिए भी और बिल्डर. 2018 और 2022 में बहुत कुछ फर्क आ चुका है एज फार एज आवर इकोनॉमी इज कंसर्न और लीडरशिप इज कंसर्न. पेंडेमिक जो हिसाब से इंडिया ने हैंडल किया है पेंडेमिक को वी आर टर्न्ड इनटू अ वर्ल्ड लीडर. आज पेंडेमिक के बाद पब्लिक की रिक्वायरमेंट हाउस की चेंज हो चुकी है. वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हो चुका है. नज़दीक से नज़दीक रहने की आदमी अभी कोशिश करेगा जितना मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन में टाइम वेस्ट नहीं होवे उसकी भी कोशिश करेगा. तो ये एग्जीबिशन 18 के मुकाबले 22 में बहुत ही एंथुजियाज्म है. नवा क्या लेके आ रहे हैं बड़ी चीज़ें क्या है क्योंकि मार्केट बहुत बहुत चेंज हो चुकी है ये 3 साल में. जैसा देवांगी ने बताया कि
बॉम्बे का डेटा जो था इट्स अ रिकॉर्ड डेटा, इतने इतने घर कभी बिके नहीं थे जो अप्रैल का रिकॉर्ड था, उससे भी ज़्यादा और भी अपीलिंग क्या है कि बॉम्बे में लग्जरी सेगमेंट्स में मैक्सिमम सेल हो रहा है। तो ये आखिरी मार्केट शिफ्ट हो रही है, बड़े घर सबकी रिक्वायरमेंट है, अच्छे से अच्छा एमिनिटीज रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, तो दिस एग्जीबिशन इज उसके वजह से बहुत एक्साइटिंग है। क्या इस बार के एग्जीबिशन में जो फोकस होगा? सर, लग्जरी सेगमेंट तो एक छोटा मोटा पार्ट रहता है, न्यू बॉम्बे बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही है, का जो आदमी बॉम्बे में जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो न्यू बॉम्बे शिफ्ट होके वो अफोर्ड करने के लिए कोशिश करता है। नो डाउट अभी इंडिपेंडेंटली इधर की भी खुद की पोटेंशियल भी पहले से बहुत बहुत बढ़ चुकी है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड। न्यू बॉम्बे के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के बिना चल ही नहीं सकता है। अभी पहला अफोर्डेबल हाउसिंग हम बात कर रहे थे कलमबोली पनवेल में बात करते थे, तो अभी अफोर्डेबल हाउसिंग बात करेंगे करजत और खपोली में, फ़र्क इतना रहेगा, पर अफोर्डेबल हाउसिंग के बिना कोई बिल्डर सर्वाइव नहीं हो सकता। काफ़ी सारे अपकमिंग है और काफ़ी लोगों के रेडी स्टॉक भी है, बट रेडी में जो परसेंटेज आई वुड से 80% विल बी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और जस्ट स्टार्टेड, 20% विल बी रेडी पोजिशन फ्लैट्स। यस, ये डिलीवरी जनरली इफ यू लुक एट एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज बिटवीन 3 to 5 years। Yes. बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट बना नहीं पा रहे या डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं 13th floor 14th floor पर एक बिल्डिंग बनाऊं या 20-30 माले की बनाऊं, तो इसमें दिक्कत नहीं आ रही आप लोगों को? इसमें जो आप जो बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है ही नहीं, बिकॉज विदाउट गेटिंग एविएशन NOC CC मिलेगी नहीं। यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स है ओनली कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जिसके है एज पर रेरा दे विल बी सोल्ड, देर विल बी नो प्रोजेक्ट्स। लेकिन ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है 55 मीटर्स का, उससे बहुत ज़्यादा हार्डशिप हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बिकॉज कितने लोगों ने प्लॉट्स ले लिए है, फुल पेमेंट सिडको को किया है और उसके बाद में दे आर नॉट श्योर 55 मीटर होगा, 80 मीटर होगा, 100 होगा, 120 होगा, और ये ब्लैंक स्क्रीन के अंदर प्लान करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सिडको इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, उनका अगर सिडको का नंबर वन प्रायोरिटी जो मैं जितना समझा हूँ वो है एयरपोर्ट का हाइट का फ्रीजिंग, सेकेंड इज दैट कि स्टेट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में भी देर आर डिफरेंसेज एज टू क्या हाइट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हर बार जब हम पूछते हैं उनको तो उनका आश्वासन ये होता है कि 2 से 3 महीने में हो जाएगा। अभी लास्ट आश्वासन यही दिया गया है हमको कि विदिन 2 मंथ्स यू विल गेट द फ्रीस्ट एयरपोर्ट का जो हाइट है, मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट है वो मिलेगा, एंड वी होप एंड प्रे मिले, तो उससे नए जो प्रोजेक्ट्स है उसको कमेंसमेंट मिले और हम इसमें से दुविधा में से या इशू में से चैलेंजेस में से बाहर आए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन नैना में भी इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? आपको लगता नहीं है बहुत बड़ा हर्डल है इस? यस, डेफिनेटली देयर आर चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू नैना आल्सो, लेकिन क्या है नैना का काफ़ी सारा लोड अभी PMC ने लिया है, MSRDC ने लिया है, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो है अप्रूवल फास्ट हो रहे हैं, और नैना के जो चैलेंजेस है आई थिंक दे विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम वॉट एवर इज हैपनिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, एंड उनका भी तरफ से स्पीडी अप्रूवल होने की संभावना है, एटलीस्ट आई प्रे फॉर दैट। इस बार जो बेसिक कीमत होगी तलोजा पाम बीच पे इट विल बी बिटवीन द रेंज ऑफ 1 crore to 4 crores, और फिर सुपर लग्जरी जो है
नाउ अडानीज ऑल्सो हैव कम अप विद देयर लग्जरी प्रोजेक्ट्स और काफ़ी सारे जो सानपाड़ा के प्रोजेक्ट्स है दे माइट नॉट बी लॉन्च ड्यूरिंग दिस एग्जीबिशन बट सॉफ्ट लॉन्च जरूर होगा वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू दैट कैन गो अप टू 10 crores. सो 20 lakh से लेके 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स या फ्लैट्स अपार्टमेंट्स मिलेंगे. नहीं वो एग्जीबिशन सेंटर तो अभी कोविड सेंटर क्या यूज के लिए है तो सिडको दे ही नहीं रही है और जगह अभी भी जो भी अवेलेबल है सफिशेंटली सिडको ने हमको अच्छा प्लॉट दिया हुआ है और लोकेशन भी अच्छा है तो हमको ये सब चीज़ें में वी आर यूज टू ऑल दिस थिंग्स. कोई भी एडवर्सिटी आता है उसको सॉल्व करना हमारा काम है. यस यस लॉन्च नए प्रोजेक्ट्स में ही मेन फोकस रहता है बिकॉज एवरी वन इज इंटरेस्टेड इन न्यू प्रोजेक्ट में देखा हुआ है तो पब्लिक इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन दोज प्रोजेक्ट्स. तो ऑलवेज न्यू प्रोजेक्ट्स आर मोर इनफैक्ट अट्रैक्टेड बाय पीपल टू कम एंड सी इट. नहीं व्हाट आई थिंक आप पूछ रहे हो कि न्यू बॉम्बे के जो हाईलाइट्स है अपकमिंग आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो आई थिंक वी हैव लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड देयर विल बी बोर्ड साइनेजेस टेक अवे एंड हमारे जितने मीडिया व्हाट वी से सोशल मीडिया के थ्रू विल ट्राई टू हाईलाइट ऑल द प्रोजेक्ट्स विच हैव ऑलरेडी कम अप एंड विच आर इन पाइपलाइन. So that will be an attraction for everybody and now with social media I think it is just a link away and you can reach the entire nation. Devanji, anybody coming specially for inauguration? We have restricted that trend. We have called lot of dignitaries and I think as and when jisko jaisa time milega and comfortable to them I think they will visit the exhibition. Definitely. I think in the overall context, अभी तक जो rates or rate of interest थे I think they were all time low. So little bit of correction was anticipated and that changes up and down by 1% or 2% is generally a trend throughout all these years that we have seen. But definitely yes. एक बूस्ट जो मिलना चाहिए उसको थोड़ा वो स्लो डाउन होगा दैट्स व्हाट वी एंटिसिपेट. बट इन ऑल पूरे पैराडाइम यानी पूरा जो आप वो देखोगे पिक्चर में आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट. आई थिंक एवरी ईयर वी डू अ वेरी गुड बिजनेस. It's very difficult to put a figure, but during exhibition, minimum we feel we should touch a mark of 1,000 crores. इस बार का theme आपको क्या होगा? 360 degree. Yes. इसमें हमने दो चीज ऐड की है. One thing is smart homes, and जो city का जो स्वच्छ अभियान है उसको highlight किया है. And I think when we see the entire country and when we see New Bombay with its population. ये यूएसपी को हाईलाइट करना बहुत ही जरूरी है एस्पेशली व्हेन यू आर सीइंग दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड वेयर हेल्थ इज योर अपर मोस्ट प्रायोरिटी. इफ यू सी दैट तो स्वच्छ भारत के साथ में स्वच्छ नवी मुंबई आई थिंक दैट शुड बी हाईलाइटेड एवरीवेयर. एंड सेकेंड थिंग इज कनेक्टिविटी. इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी विल बी अवर सेकेंड बिगेस्ट फोकस. इतनी डिमांड हाउसिंग की हो गई है कि अब बीएनएम या जो प्रॉपर्टी एक्सपो है उसको एक एक साल में एक बार की बजाय दो बार करने की जरूरत महसूस हो रही है. अब भूपेश भाई आप भी बताइए कि ये डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है, क्या इसके पीछे प्रमुख कारण है जिसको लेकर नवी मुंबई में एक तरह से हाउसिंग डेस्टिनेशन के तौर पर ये डेवलप.